आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। के आज महाराष्ट्र समेत भिवंडी शहर में भी इलेक्शन का दौर चल रहा है और चंद ही रोज बचे हुए हैं इलेक्शन के इख्तिताम को, यानी कि 21 तारीख को इलेक्शन की वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद फौरन जो है उसके वो भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप इस इलेक्शन के ताल्लुक से जरा भिवंडी वासियों को बताएंगे कि क्या समीकरण चल रहा है इस इलेक्शन में। देखिए, भिवंडी विधानसभा पूर्व एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कोई चीज़ है ही नहीं। आप देखते हैं जब किसी आदमी को कोई एड्रेस बताना होता है तो कहते हैं कि रोलेक्स होटल पे आ जाओ, सागर प्लाजा होटल आ जाओ, ये फला मतलब कि जो है तो चौकी के पास आ जाओ। ऐसा कोई नॉमिनेटेड ऐसा कोई प्राइम लोकेशन एड्रेस बताने लायक नहीं होता कि भिवंडी में जिस तरह से कोई जितने एजुकेशन का इंस्टीट्यूट हो या कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट हो या कोई और इस तरह की संस्थाएं हो जिसके माध्यम से भिवंडी की पहचान हो। आज पूरब के हो या पश्चिम, दोनों तरफ भिवंडी की जो खस्ता हालत है वो आप सब बेहतर जानते हैं। मैं ख़ास तौर से भिवंडी पूर्व के बारे में आपसे कहूँगा कि भिवंडी पूर्व पिछले काफ़ी सालों से जैसे लगता है कि बम्बई से बहुत दूर दराज का ये इलाका है, जबकि 40 किलोमीटर दूर नहीं है भिवंडी का मंत्रालय का जो दूरी यहाँ का है, और यहाँ पर वो विकास का काम नहीं हो रहा है। ये भिवंडी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप देखेंगे विरार जहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खारा पानी है, उसके बावजूद भी वहाँ पानी की सुविधा है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, मार्केट है, सब कुछ है वहाँ पर। भिवंडी हिंदुस्तान का बेहतरीन शहर पावरलूम सेक्टर, जिसे मैनचेस्टर का नाम जाना जाता है, आज इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री दम तोड़ रही है। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, ना तो यहाँ के लोगों को इस बात को लड़ाई लड़ने की जो जागरूकता होती है वो बेदारी में यहाँ के लोगों को भी दोष देना चाहता हूँ कि लोग जो है भिवंडी के अपने हक को पहचानते ही नहीं, ना अपने हक को लड़ने के लिए कोई ऐसे संगठन के साथ जुड़ें, कोई ऐसी तंजीम के साथ जुड़ें जो अंजाम तक पहुँचाए। टोरेंट पावर का मसला आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, हेल्थ में कुछ नहीं है, एजुकेशन में कुछ नहीं है, ना तो ट्रांसपोर्ट है, हद तक हमारे यहाँ रेल का सुविधा नहीं है, बॉम्बे से कोई डायरेक्ट रेल नहीं है, ना कोई ऐसी सुविधाएं हैं, सब सुविधाओं से वंचित है। मैंने कहा कि जैसे भिवंडी जो है तो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वैसे ही है। सर, ये सौतेला व्यवहार करने में कौन जिम्मेदार है? देखिए, पिछली मरतबा जो था वो बीजेपी की भी सरकार थी, वहाँ पर MLA थे, यहाँ से शिवसेना के MLA थे और मिनी गवर्नमेंट यहाँ पर महानगर पालिका में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर भी पूरा की पूरा जो शहर है वो विकास से वंचित था। क्या पब्लिक ये सारी चीज़ें देखकर आज भी तीनों लोग जो है इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या पब्लिक में इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई बदलाव आ सकता है? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया कि कौन जिम्मेदार है। जो हुकूमत में होता है वही जिम्मेदार होता है, और इत्तेफाक ऐसा कि दोनों हुकूमत के नुमाइंदे पिछली बार यहाँ से थे, बीजेपी के भी और शिवसेना के भी। इन्होंने क्या किया? मैं सवाल करता हूँ कि वो सलाहियत नहीं है जिस सलाहियत के बुनियाद पर ये अपने डेवलपमेंट की बात कर सकें। सत्ता होने के बावजूद भी शहर विकास से वंचित रहा। अब आप खुद सोचें कि भिवंडी में कांग्रेस की बात करता हूँ, भिवंडी कांग्रेस की हालत ज़ार है। भिवंडी कांग्रेस सिर्फ हुकूमत में रहना चाहती है, इकतदार में। हम मुबारकबाद देते हैं भिवंडी वासियों को, उन्होंने कांग्रेस भिवंडी को सौंपा, लेकिन जिस जोश खरोश से भिवंडी कांग्रेस को भिवंडी वालों ने सौंपा, उस जोश खरोश से क्या भिवंडी वासियों को कुछ मिला? वो आपको फैसला करना है, आवाम को फैसला करना है कि वाकई में हमने जिस जोश खरोश से भिवंडी कॉरपोरेशन को कांग्रेस को दिया, वो कांग्रेस ने हमको महरूम किया। सर, देखा ये जाता है कि जब से चुनाव शुरू है लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, आखिर में जाकर ये मोड़ जो है वो तब्दील हो जाता है मजहब और धर्म के नाम पर। लोग अपने अपने ओट को जो है मजहब और धर्म के नाम पर मांगने लगते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर मांगने लगते हैं, उस वक्त इनकी एकताई और इनकी जो सच्चाई है वो कहाँ छुप जाती है? बिल्कुल सच है, ये देश कम्युनल राह पे चला गया है और इसके जिम्मेदार
2014 से लेकर के आज तक मौजूदा हुकूमत है। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि ये आप खुद देखें कि ये कम्युनल माहौल में है। आज देश के अंदर जो कि नफ़रत का माहौल है, आज देश के अंदर मॉब लिंचिंग जैसे घृणा वाला वाक़या पेश होता है, ऐसे नफ़रत के वाक़यात पेश होते हैं, इस पर हम लोग खूब जो है तो अच्छी तरह समझते हैं। आज जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पर धर्म की बात चलती है, लेकिन मैं भिवंडी वासियों से कहूँगा कि आप इन झमेलों में जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, इन भाषावाद में ना पढ़ें, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का इंतखाब करें जो मैं आपको ये बोल सकता हूँ आपके माध्यम से कि एक समाजवादी जो कि रईस शेख नाम का जो शख्स आया है, ये एक विकास पुरुष है, कार्य सम्राट है, वाकई में ये कार्य सम्राट है, ना कि वो लोग जो गटर बना के बोर्ड लगा देते हैं कार्य सम्राट है। इसके सारे वाक़यात गुवंडी, नागपाड़ा, मदनपुरा, इन इलाकों के लोग कह रहे हैं आकर के कि आप रईस शेख को जिताएं, क्योंकि रईस शेख को ऐनी शाहिद गवाह हम लोग हैं कि रईस शेख ने डेवलपमेंट 2.5 साल में नागपाड़ा में जो तरक्की किया वहाँ के MP MLA ने नहीं किया, सोचने का मकाम है। इसलिए तो आपने पूर्व के बारे में बताया, रईस शेख के बारे में, लेकिन आप पश्चिम की तरफ भी एक नज़र डालें कि वहाँ पर किस तरह का काम है। बिल्कुल वही हाल है, पश्चिम का भी वही हाल है। पश्चिम में तो MLA रहता है, पश्चिम में महापौर रहता है, पश्चिम में कांग्रेस की बड़ी ताकत रहती है, तकरीबन वहाँ पर नगर सेवक वहाँ हैं, 23 नगर सेवक वहाँ पर हैं, और उसके बाद में वहाँ पर जो है तो पश्चिम में दो दो कोऑप्टेड, तीन तीन कोऑप्टेड पश्चिम में हैं, तमाम तो पश्चिम भरे, वो पश्चिम का सदर वहाँ स्थानीय सदर कांग्रेस का है, तरक्की से बिल्कुल महरूम है, अफसोस दर अफसोस। और हमारी आवाम को भी बेदार होना चाहिए कि इन बेहिस लोगों से हमें किस तरीके से बचना चाहिए। सर, वहाँ की हिमायत में आप किसका नाम लेंगे? वहाँ की हिमायत में तो हमने ऐलान पहले ही कर दिया था कि वहाँ पर असदुद्दीन अवैसी के नुमाइंदा खड़े हैं, खालिद गुड्डू, उनको जो है तो आप इंतखाब करें, मैं इससे बेहतर उम्मीदवार नहीं समझता वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का।